हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 6, इंडेक्स नंबर्स। जी हाँ दोस्तों, इंडेक्स नंबर ये बहुत अहम और नया चैप्टर है इस साल के न्यू सिलेबस के अंदर। दोस्तों, अभी तक जो हमने वीडियोस देखे उसमें हमने ये जाना है कि इंडेक्स नंबर एक स्टेटिस्टिकल टूल की तरह है जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स में होने वाले बदलाव को मेजर करने के काम आता है। जी हाँ दोस्तों, इंडेक्स नंबर जो है ये बहुत अहम स्टेटिस्टिकल टूल है। ये मेजरिंग करता है अलग अलग इकोनॉमिक वेरिएबल्स में चेंजेस को, फिर वो पॉपुलेशन हो, एम्प्लॉयमेंट से जुड़े हुए वेरिएबल्स हों, या इनकम या प्रोफेशन से रिलेटेड अलग अलग वेरिएबल्स या ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स में होने वाले बदलाव को इंडेक्स नंबर मेजर करके हमारे सामने रखता है ताकि अच्छे से एनालिसिस हो सके। दोस्तों, हमने पिछले कुछ वीडियोस में इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के कुछ मेथड्स देखे, फिर सिंपल मेथड हो जिसमें हमने प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर और वैल्यू इंडेक्स नंबर के बारे में जाना, साथ ही साथ हमने वेटेड इंडेक्स नंबर में लैस्परस के मेथड को भी समझने की कोशिश की। आज के इस वीडियो में हम पाशेस का प्राइस इंडेक्स देखने वाले हैं। बहुत ही सिंपल और छोटा सा शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो है। इसे वीडियो को जो है वो अंत तक देखिए दोस्तों, और पूरी तरह से आप आसानी से समझ जाएंगे किस तरह ये कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर होने वाला है। दोस्तों, अगर बात करें क्विक रिकैप की, तो इंडेक्स नंबर्स आर वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड स्टैटिस्टिकल टूल्स इन इकोनॉमिक्स, एंड इंडेक्स नंबर इज अ डिवाइस टू मेजर चेंजेस इन एन इकोनॉमिक वेरिएबल। जी हाँ दोस्तों, एक डिवाइस है, एक स्टैटिस्टिकल टूल है जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स में आने वाले उतार चढ़ाव को मेजर करने में हमारी मदद करता है। इंडेक्स नंबर्स वेर ओरिजिनली डेवलप्ड टू मेजर चेंजेस इन द प्राइस लेवल। जनरली प्राइस लेवल्स में आने वाले उतार चढ़ाव को मापने के लिए, मेजर करने के लिए इंडेक्स नंबर बनाए जाते थे, लेकिन आज के इस मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में स्टॉक मार्केट्स हो, प्राइजेस हो, कॉस्ट ऑफ लिविंग हो, इंडस्ट्रियल हो, एग्रीकल्चरल ग्रोथ हो, हर चीज में, या एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो, हर चीज में इंडेक्स नंबर्स के जरिए एनालिसिस बहुत आसान हो गया है। दस चेंजेस इन एक्सपोर्ट्स हो, इम्पोर्ट्स हो, या कोई और चीज, हर जगह पर इंडेक्स नंबर यूज किए जाने लगे हैं। इंडेक्स नंबर्स आर नॉट डायरेक्टली measurable but represents relative changes, वो नए बदलावों को आसानी से हमारे समक्ष रखने में बहुत सक्षम है। दोस्तों, डेफिनेशन की अगर बात करें तो हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर दो अहम डेफिनेशन दिए गए हैं, स्पेगल का डेफिनेशन और क्रॉक्सटन और कॉर्डन का। स्पेगल के डेफिनेशन में जोर देकर कहा गया है कि एन इंडेक्स नंबर इज अ स्टेटिस्टिकल मेजर डिजाइंड टू शो चेंजेस इन अ वेरिएबल और अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स। तो बेसिकली स्टेटिस्टिकल मेजर जो डिजाइन किया गया है टू एड्रेस द चेंजेस और टू अंडरस्टैंड द चेंजेस इन वेरिएबल्स और इकोनॉमिक वेरिएबल्स। साथ ही साथ अगर क्रॉक्सटन और कॉर्डन की बात करें, इंडेक्स नंबर्स आर डिवाइसेस फॉर मेजरिंग डिफरेंसेस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल। तो यहां पर भी इस डेफिनेशन में भी यही बात की गई है कि इंडेक्स नंबर डिवाइस है जो डिफरेंसेस को मेजर करते हैं। तो बेसिकली इंडेक्स नंबर दोनों ही इकोनॉमिस्ट के माध्यम से अगर हम जाने या समझें तो स्टैटिस्टिकल टूल है जो चेंजेस को मेजर करने में काम करते हैं। दोस्तों, दो मेथड्स हैं इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने का, सिंपल इंडेक्स नंबर और वेटेड इंडेक्स नंबर। हमने पिछले वीडियोस में सिंपल इंडेक्स के बारे में देखा है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको ज़रूर वो वीडियोस मिल जाएंगे। मैं आई बटन में भी लिंक दे देता हूँ, वहाँ से भी आप ये वीडियोस देख सकते हैं। वेटेड इंडेक्स नंबर में पिछले वीडियो में हमने लैस्परस का इंडेक्स का मेजर जो देखा था, आज के इस वीडियो में हम पाशेज इंडेक्स नंबर के बारे में जानने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हर्मन पाशे, जर्मन इकोनॉमिस्ट हर्मन पाशे, डेवलप्ड एन इंडेक्स फॉर मेजरिंग करंट प्राइस और क्वांटिटी लेवल्स रिलेटिव टू दोज ऑफ सिलेक्टेड बेस पीरियड। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, बेस पीरियड के आधार पर उसके कंपेरेटिवली हम करंट के बारे में क्वांटिटीज और प्राइस के लेवल्स को जांचते हैं, चेक करते हैं। यहाँ पर हर्मन पाशे ने भी वही किया है। बेस पीरियड तो है ही हमारे पास, उसके साथ हम रिलेटिव कंपैरिजन करते हुए इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करते हैं, लेकिन पाशे के इंडेक्स नंबर के फॉर्मूला की खास बात यह है कि यहाँ पर करंट ईयर को एज वेट लिया गया है।
पिछले अगर आप वीडियो में देखें तो लास्प्रेस के मेथड के अंदर हमने बेस पीरियड को या बेस पीरियड के प्राइजेस और क्वांटिटी को एज कहते हैं हम लोग एज क्वांटिटी या वेट ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर पाशे के फॉर्मूला में हम लोगों ने करंट ईयर को एज वेट ट्रीट किया है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इस वीडियो में पाशेस का फॉर्मूला क्या है। दोस्तों पाशेस प्राइस इंडेक्स नंबर इन दिस टेक्निक क्वांटिटीज ऑफ द करंट ईयर, अंडरलाइन कर दीजिए दोस्तों इसे, क्वांटिटीज ऑफ करंट ईयर आर कंसिडर्ड एज वेट्स। पाशेस प्राइस इंडेक्स इज कैलकुलेटेड विद द फॉलोइंग फॉर्मूला, प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू समिशन पी वन क्यू वन। जी हाँ दोस्तों मैं याद दिला दूं, सफिक्स है वन जो होता है ये है करंट ईयर का सफिक्स और जीरो जो है वो बेस ईयर का सफिक्स होता है। तो यहाँ पर दिया गया है समिशन पी वन क्यू वन अपॉन समिशन पी जीरो क्यू वन इंटू हंड्रेड, यानी प्राइस ऑफ करंट ईयर क्वान्टिटी ऑफ करंट ईयर का समिशन अपॉन प्राइस ऑफ बेस ईयर एंड क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर इन 200। दोस्तों चलिए इसे डिटेल में समझते हैं और एक सम भी करके देख लेते हैं। फॉर्मूला वही है, क्वेश्चन हमारे सामने है कमोडिटीज एम एन ओ पी और बेस ईयर और करंट ईयर के प्राइजेज और क्वांटिटीज हमारे सामने दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं जीरो सफिक्स है बेस ईयर का और करंट ईयर का सफिक्स है वन, तो पी जीरो क्यू जीरो जो है ये बेस ईयर के प्राइस और क्वांटिटीज है रिस्पेक्टिवली, और करंट ईयर की अगर बात करें तो पी वन और क्यू वन। आप देख सकते हैं ये फिगर्स हमारे सामने दिए हुए हैं, इन्हें अगर फॉर्मूला में डालना है दोस्तों तो हमें सबसे पहले चाहिए पी वन और क्यू वन, यानी वी नीड टू मल्टीप्लाई पी वन एंड क्यू वन, यानी हमें करंट ईयर जो प्राइस और क्वांटिटी है उसका प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पी वन क्यू वन है हमारे पास, हमें इसे मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली पी जीरो और क्यू वन, पी जीरो भी हमारे पास है बेस ईयर का प्राइस इंटू क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। तो आप समझ सकते हैं कि पाशे के प्राइस इंडेक्स नंबर में करंट ईयर को तवज्जो दिया गया है, करंट ईयर को एज वेट ट्रीट किया गया है। तो दोस्तों अगर इसे हम सॉल्व करना चाहें तो सबसे पहले हमें प्रोडक्ट निकालना है। फॉर्मूला या स्टेप्स को आसानी से आप समझ लीजिए, पाशे प्राइस इंडेक्स नंबर के अंदर फाइन प्रोडक्ट एड प्रोडक्ट एड प्रोडक्ट, फाइन प्रोडक्ट एड प्रोडक्ट एड प्रोडक्ट। तो दोस्तों वही यहाँ पर किया गया है, सबसे पहले पी वन क्यू वन आसानी से 5 8 40 8 3 24 2 10 20 10 5 50 ये प्रोडक्ट हो गया, पी वन क्यू वन का कॉलम बन गया हमारे सामने। उसी तरह पी जीरो क्यू वन की अगर बात करें तो 2 है हमारा पी जीरो और क्यू वन है 8, तो 2 8 16, 4 3 12, 1 into 10 10, 5 5 25, तो इस तरह से पी जीरो क्यू वन का कॉलम भी हमारे सामने बन गया। फाइन प्रोडक्ट एड प्रोडक्ट एड प्रोडक्ट, फाइन प्रोडक्ट एड प्रोडक्ट एड प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट को अब ऐड करने की बारी आ जाती है, हमने ऐड कर लिया है, हमें टोटल मिलता है पी वन क्यू वन का समिशन इज 134 एंड पी जीरो क्यू वन का समिशन है 63। अगर इसे फॉर्मूला में डालें दोस्तों तो काफी आसानी से हमारे फॉर्मूला में से हम भर सकते हैं समिशन पी वन क्यू वन अपॉन समिशन पी जीरो क्यू वन इंटू 100। यह हमारा फॉर्मूला है पाशेस प्राइस इंडेक्स नंबर का, इसमें डालते ही आप आसानी से आंसर निकाल पाएंगे। सो प्राइस इंडेक्स नंबर अकॉर्डिंग टू पाशेस प्राइस इंडेक्स इज 134 अपॉन 63 इंटू 100, दैट इज 212.69। तो ये हमारा पाशेस प्राइस इंडेक्स का एक्चुअल वैल्यू निकल के आता है। तो दोस्तों इस प्रकार वेटेड इंडेक्स में ये दूसरा मेथड भी आप आसानी से समझ जाते हैं। आज दोस्तों इस चैप्टर के अंदर अब सिर्फ एक ही आंसर बचा है, दैट इज लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। अगली वीडियो में हम आएंगे लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर के साथ और आपको देंगे नोट्स फॉर चैप्टर नंबर 6 इंडेक्स नंबर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।